तक पहुंच क्यों नहीं, जो भी देखें, एक चीज होती है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ये पहला स्टेज होता है लर्निंग, मतलब ये वो स्टेज होता है जब हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या नहीं जानते, ठीक है। इसको उर्दू में कहेंगे कि हम इस वक्त गफलत में, वो स्टेज जो गफलत की होती है, पता ही नहीं है कि क्या क्या नहीं जानते। गफलत से निकल कर हम दूसरे स्टेज में आते हैं बेदारी में, कोई आता है हमें बताता है ये सही है और ये गलत, जो टीचर्स करते हैं बच्चों के साथ, बेटा ये सही है और ये गलत है। अब वो गफलत से निकल कर दूसरा स्टेज कौन सा आ गया, वो कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी कि बेदार हो गया है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही वो बेदार होता है हम समझते हैं कि बस यही रिजल्ट है, बेटा मैंने तो आपको बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन फिर भी आप वो दूसरे स्टेज पर ही हम क्या करते हैं, रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। जबकि ये जो बेदारी का स्टेज होता है, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का स्टेज होता है, यहाँ पर रिजल्ट नहीं आता। अभी जो मामला है वो सिर्फ शऊर तक आए, इसमें रोकते मैं थोड़ा सा शऊर और लास्ट शऊर पर बात करता हूँ ताकि ये मजीद आपको क्लियर। क्या होता है पहले ये बताइए, जहन क्या होता है, जहन क्या होता है, इंसानी जहन क्या चीज, ब्रेन और माइंड, लफ्ज सुने क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, दिमाग, माइंड क्या होता है, सोच, माइंड सोच है और ब्रेन क्या है, दिमाग होता है। अच्छा, ये माइंड कहाँ होता है, जिस समय क्या होता है, टखनों में, किसने कहा, बांस के घुटनों में भी होता है जी, कहाँ होता है माइंड, दिमाग में माइंड होता है। इंटेलिजेंस, और जो डम हो बिल्कुल उसके साथ माइंड नहीं, लेकिन उसको सोचता तो है, अभी आपने कहा